आप पाएंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं प्राइमरी स्पीशीज को यानी कि प्राथमिक प्रजातियों को जो सामान्य तौर पर हम उनसे यूज टू हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम जो है कुछ रेयर प्रजातियों के बारे में कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में देखेंगे जिनके बारे में सहज रूप से हमें देखने को नहीं मिलता और इससे रिगार्डिंग प्रश्न जो है यूपीएससी पूछता रहता है अब याद रखें अगर मैं आपसे कहता हूं छीकने वाले मंकी या फिर मैं कहूं स्नूबिंग या स्नीजिंग मकाओ

आप देखें कि जो वैल्यू एडिशन सीरीज है इस सीरीज में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करा है आप पाएंगे कि कि हमने इसमें जेनेटिक डिप्रेशन को कवर करा यानी आनुवंशिक जो समस्या हो रही है प्रजातियों में में जिसके कारण इनकी जनसंख्या गिर रही है इसके बारे में डिस्कस करा आप समझिए इस चीज को कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है यूपीएससी आपसे खासकर प्रश्न पूछती है वो उन मुद्दों पर उन टॉपिक्स पर जो टॉपिक्स रिसेंटली ट्रेंडिंग पर हैं और अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट बीते पचास सालों में या लास्ट बीते खासकर बीस सालों में क्या वो सब्जेक्ट है क्या वो टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में रहता है और वो टॉपिक कौन सा है तो याद रखिए वो टॉपिक इन्वायरमेंट का है वो पर्यावरण का है अब हिंदी माध्यम के साथ बच्चों एक समस्या होती है इस चीज को समझिएगा कि हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट है वो सामान्यता जो है वो पर्यावरण पढ़ते समय खाद्य श्रृंखला खाद्य जल इकोलॉजी इकोसिस्टम सिस्टम यहां तक आते आते जो है उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो एडवांस फॉर्म जिसके रिगार्डिंग प्रश्न ज्यादा आते हैं समझिएगा वो कंटेंट से हमेशा स्टूडेंट दूर रह जाता है खासकर प्रजातियों के केस में जनरली नेशनल पार्क बच्चा पढ़ लेगा परंतु तो उस नेशनल पार्क में मिलने वाले जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन कम होगी अगर मैं पढ़ाई का क्रम देखूं तो सामान्य स्टूडेंट जो है इस बात पर ज्यादा फोकस करेगा कि नेशनल पार्क कहाँ है अगर थोड़ा सा स्मार्ट है तो वहां से बहने वाली नदी के ऊपर उसका फोकस होगा और यदि और ज्यादा स्मार्ट है तो उसके रिगार्डिंग आसपास के क्षेत्र या कुछ प्रजातियों के बारे में देखेगा परंतु जब प्रश्न आता है तो उसका इन डेप्थ एनालिसिस आता है जहां पर आप पाएंगे कि प्रजाति और उसकी स्क्रूटनी करेगा वो उसके अंदर जाता जाएगा उस प्रजाति की खासकर क्या समस्या है आप पाएंगे कि जब रेड पांडा से रिलेटेड प्रश्न आए तो वहां पर हमने देखा कि उसके ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में डिस्कशन था याद रखिए हर प्रजाति का एक सामान्य सा कारण है उसके समाप्त होने का और वो कारण क्या है तो सिंपल सा है उसका जो हैबिटेट लॉस है अर्थात तो उसका जो प्राकृतिक आवास है उसकी हानि हो रही है ह्रास हो रहा है वो कम हो रहा है

जो हिम थें तेंदुआ है इसकी जनसंख्या कम होने के स्पेसिफिक कारण में से शिकार है और शिकार भी किस पर्पस के लिए तो चाइना ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक में जो है वो इसके मीट का तिब्बत की ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक में इसके बोन्स का और इसके फर का यूज होता है मंगोलिया और तिब्बत में ट्रेडिशनल ड्रेस बनाने में अब ये जो प्रश्न है वो इसे इस प्रकार से कोट करेगा कि सुमिलित कीजिए या फिर स्टेटमेंट वाइज पांच स्टेटमेंट लिखेगा और उसमें से जो है वो कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना होगा अब एक स्टेटमेंट इस प्रकार से कोड होगा कि जो शिकार है यह मुख्य कारण है हिम तेंदुए की जनसंख्या में गिरावट के लिए अब शिकार ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया अब वो स्पेशलाइज करेगा इसे वो स्पेसिफिक करेगा इस स्टेटमेंट को जहां ये मेंशन करेगा कि इसकी हड्डियों के लिए क्यों शिकार होता है इसकी स्किन अर्थात इसके फर के लिए क्यों इसका शिकार होता है अब इस प्रकार से जब टफ करेगा यूपीएससी क्वेश्चन तब ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो इससे दूर होता जाता है और इसका सामान्य सा कारण है इसका एक जनरल रीजन ये है कि इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स हिंदू में आते रहते हैं अब हिंदू न्यूज से जो डिस्टेंस है हिंदी मीडियम का ये डे टू डे जब हिंदी का कंपाइलेशन खासकर अगर हिंदी को, हिंदू को आप देखें हिंदी में तो जब डेली करंट अफेयर की न्यूज वो कवर करेगा तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती मान लीजिए हिम तेंदुआ एक बार न्यूज में आया उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें जो है वो पेपर में आई अब इसके बाद एक स्टेप गया हिंदू हिंदू कभी और भी अदर आई एक ही टॉपिक पर सेम कंटेंट तो पब्लिश कर नहीं रहा अब उसी टॉपिक से जब बार बार चीजें आती हैं तो बच्चों से स्किप करता जाता है और जो उसको पढ़ा रहा होता है वो भी इस चीज को जानता है कि चार दिन पहले मैंने सेम चीज जो है वो पढ़ाई थी अब जब उसी के रिगार्डिंग न्यूज आती है तो उसे एक बार लिंक करके जो छोड़ दिया जाता है अब इसमें होता यह है कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस समय आर्टिकल में आई होती है उससे बच्चा जो है वो दूर हट जाता है अब इस समस्या का समाधान ये है कि आप टॉपिक को पकड़ें और उसके रिगार्डिंग लास्ट वन ईयर में या फिर इन ऑल टोटल जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी हम एक स्थान पर कवर कर लें ये स्पिरिट है वैल्यू एडिशन सीरीज की याद रखिए आपका कंटेंट काफी ज्यादा रिच होगा बहुत सारे प्लेसेस में आप इसे यूज कर पाएंगे आप एक ही वीडियो से जो कंटेंट निकालेंगे आप पाएंगे जैसा मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में उसे यूज करा आप पाएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बताया मैंने जहां पे हमने देखा कि बुरका और पर्दा सिस्टम कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आया इंडिया में इसी प्रकार से हमने देखा कि क्वॉइन ऑफ मेडनेस डॉक्ट्रीन अर्थात अचानक से संपत्ति बढ़ जाने के कारण ड्रग की समस्या किस प्रकार से आई पंजाब में और उसका क्या नेक्सेस है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ टाइप डायबिटीज किस प्रकार से आई भारत भारत में भारत में में दक्षिण इसका डिस्कशन है उस वीडियो में। अब आप इस को इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और इन नोट्स का आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में बहुत सारे प्लेसेस में ना केवल पर्यावरण में ना केवल ज्योग्राफी में अदरवाइज आप इसे बहुत सारे प्लेसेस में यूज कर पाएंगे क्लियर है

कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से इस चैनल से आप इजीली जो है वो पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस प्रकार से इंडिया का जो है वो मैप ड्रॉ करेंगे खासकर हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट पर फोकस करेंगे याद रखिएगा ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारा पूर्वोत्तर राज्यों का जो है वो क्षेत्र है इस प्रकार से आप पाएंगे कि जस्ट अ सेकेंड इस प्रकार से आप पाएंगे ये हमारा सिक्किम वाला भाग है ये जो स्पेस में छोड़ रहा हूं ये भूटान नामक देश है इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट का है और जो पार्ट इसमें पैक हो रहा है ये हमारा बेसिकली बांग्लादेश वाला पार्ट है पॉइंट क्लियर है इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है इसमें हम अगर स्लाइड सी मैपिंग करें तो आप पाएंगे इस वाले भाग को इसे कहा जाता है बेसिकली सिक्किम याद रखिए ये वाला जो क्षेत्र है यह है वेस्ट बंगाल और यह वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन जो है नहीं आता है बेसिकली किसमें हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार से इसी तरह से अगर हम चले तो नीचे वाला भाग बच्चों याद रखिएगा ये पोर्शन कहलाता है नागालैंड इसके नीचे आएंगे तो यह कहलाता है मणिपुर और ये वाला जो पोर्शन है यह कहलाता है बेसिकली त्रिपुरा क्लियर सॉरी इसे कहते हैं मिजोरम और ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं त्रिपुरा अब यह जो रिमेनिंग पार्ट बचा है याद रखिएगा इस पार्ट को कहा जाता है असम और इसके इस क्षेत्र में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है मेघालय तो याद रखिएगा मैं इसकी अगर नेमिंग करूं तो इस प्रकार से इसकी नेमिंग होगी तो ये हमारे जो है वो सेवन सिस्टर्स है और साथ में इनका एक ब्रदर अर्थात सिक्किम वाला भाग अब यहां याद रखिएगा ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसे बेसिकली कहा जाता है भूटान और इस प्रकार से आप पाएंगे ये जो क्षेत्र है ये है नेपाल का क्लियर तो अब एक एक करके जो है हम यहां की मुख्य प्रजातियों के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं याद रखिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो सिक्किम वाला भाग है जस्ट सेकेंड ये जो सिक्किम वाला भाग है यहां का जो स्टेट एनिमल है अर्थात जो राजकीय पशु है इसे याद रखिएगा ये है रेड पांडा याद रखिए यह है रेड पांडा इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्रजाति कौन सा जीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे बेसिकली कहा जाता है गायल या मैं कहूं गयाल याद रखिए ये इंडियन बाइसिन का ही एक फॉर्म है अगर मैं आपको दिखाना चाहूं जस्ट अ सेकेंड ये बाइसिन क्या होते हैं या ये गौर क्या होते हैं तो याद रखिए नागालैंड की जो प्रजाति है यानी कि नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है इसका नाम है इंडियन बाइसिन या इसे गौर के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार से आप पाएंगे ये एक प्रजाति है इसी प्रकार से आप देखेंगे जो मणिपुर वाला भाग है याद रखिएगा इसके लिए प्रजाति है सांगई यह एक प्रकार का डियर है अभी मैं इन सभी के दर्शन आपको कराता हूं एक एक करके पहले आप हाँ इसे यहां पे नाम देख लें इसके पश्चात हम इसके एक एक स्पीशी के बारे में एक एक प्रजाति के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे चलिए इसी प्रकार से आप पाएंगे जस्ट अ सेकेंड में से एडजस्ट कर लू आई थिंक ये अभी भी आप सभी के लिए रीडेबल होगा इसी प्रकार से आप पाएंगे ये जो नीचे वाला भाग है ये है बेसिकली मिजोरम का और याद रखिए मिजोरम के लिए जो इसकी प्रमुख प्रजाति है या मैं कहूं यहां का स्टेट एनिमल है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कारण क्या है अभी तक यूपीएससी ने इससे प्रश्न नहीं करे और याद रखिए आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको यूपीएससी से एक स्टेप और हेड रहना होगा अगर यूपीएससी ने नॉर्थ ईस्ट की चार प्रजातियों से प्रश्न पूछे हैं तो मैं कहता हूं कि कितनी प्रजातियां होंगी जिसे आपको समझना होगा शायद दस बीस पचास लेकिन अगर आपने इन पचास प्रजातियों के बारे में चार पांच स्टेटमेंट ही हर एक के बारे में देखा तो लेस देन टू हंड्रेड स्टेटमेंट्स होंगे लेस देन टू हंड्रेड पॉइंट होंगे जो आपको याद करने होंगे परंतु याद रखिए अगर आपने अपनी जर्नी प्ले करी है दो साल तो आप दो से तीन बार एग्जाम देंगे और याद रखिये जब आप तीन बार एग्जाम देंगे तो वो दो सौ लाइनों में से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे इस प्रकार से स्मार्ट स्टडी प्लस थोड़ा सा हार्डवर्क अगर आप करें तो आप पाएंगे कि आप इजिली एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं जब आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे यानी कि अंदाज लगा पाएंगे कि प्रश्न कहां से आ रहा है तो ईजिली आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व भी कर पाएंगे क्लियर इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि जो मिजोरम वाला पार्ट है यहां की कौन सी प्रजाति है यहां की प्रजाति है गिब्बन क्लियर ये जो गिब्बन है याद रखिएगा ये भारत का एकमात्र गिब्बन है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में क्लियर इसी प्रकार से आए अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा मेघालय वाला पार्ट है फर्स्टली हम असम को मार्क कर लें ये असम के लिए है याद रखिए जो असम वाला भाग है इसके लिए याद रखिएगा यहां पर मिलता है इंडियन राइनो फाइन जिसे हम भारतीय गेंडे के नाम से भी जानते हैं इसी प्रकार से याद रखिएगा जो मेघालय वाला पार्ट है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां मिलता है बेसिकली क्लाउडेड अब याद रखिए हम इनके एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं हम रेड पांडा के बारे में याद रखिएगा इस प्रकार से अगर मैं इसे एडजस्ट करूं तो आप पाएंगे कि जो रेड पांडा है इसके लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो आई थिंक आप सभी ने अगर ये प्लेलिस्ट पहले देख रखी है तो आप पाएंगे कि जस्ट अ सेकेंड आप पाएंगे कि इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया था आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो याद रखिए मैं आज की क्लास में एक नट सेल जरूर कर दूंगा उस टॉपिक को और हम इस प्रकार से चल पाएंगे तो याद रखिए रेड पांडा के बारे में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो सबसे पहले सबसे पहले याद रखिएगा जो रेड पांडा होता है ये भालुओं की प्रजाति से बिलोंग करता है यानी कि ये वास्तविकता में क्या है ये भालू है और याद रखिए मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं पर आपको पता होना चाहिए कि जो भालू होते हैं उनकी वो उपजाति या वो सेक्शन जो इस प्रकार से चेंज हो चुका हो इसे बेसिकली पेनीपेट्स कहा जाता है और याद रखिएगा कि ये जो जीव है रेड पांडा ये वास्तविकता में शुरुआत में शाकाहारी था माफ कीजिएगा पहले ये मांसाहारी था तथा समय के साथ ये चेंज हुआ है शाकाहारी जीव में अब यहां याद रखने योग्य बात है कि ये जो है इसका मुख्य आहार क्या है तो इसका मुख्य आहार है बेसिकली बैंबू अर्थात ये बांस खाता है और ये भी याद रखिएगा कि जो रेड पांडा है इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है समस्या यह है कि इनकी जनसंख्या जो है वो लगातार कम हो रही है और इनकी जनसंख्या के लगातार डिक्लाइनेशन का कारण है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत जाति या प्रजाति प्रजनन अब याद रखिए अंत प्रजाति प्रजनन क्या है तो बेसिकली एक ही स्थान पर बार बार प्रजनन की क्रिया के कारण रेड पांडा की संख्या जो है वो कम होती है क्योंकि एक ही स्थान पर बार बार जनन होने से एक ही स्थान पर सेम पेरेंट्स या आसपास के इलाकों में जो भी रेड पांडा है वो इन ऑल टोटल एक ही जो है वो पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं तो जब इनके मध्य बार बार ब्रीडिंग होती है तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अर्थात आनुवंशिक वृद्धि या मैं कहूं चेंजेस ये बंद हो जाते हैं अब जब ये चेंजेस बंद हो जाएंगे तो रेड पांडा जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा ये कम हो जाती है और याद रखिएगा जब ये कम होती है तो रेड पांडा जो है वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके ज्यादा चाइल्ड नहीं होते अब इस चीज को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियसली इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में नीचे उसे देख सकते हैं Clear? अब ध्यान से समझिए याद रखिए इस रेड पांडा की जनसंख्या को बचाने के लिए क्या आवश्यक है तो आवश्यक यह है कि इसका रिहेबिलिटेशन हो अर्थात इसका पुनर्वास हो और याद रखिएगा इसका पुनर्वास करा गया है पर तो लीला, नेशनल पार्क में। और याद रखिए यह जो नेशनल पार्क है किस प्रकार से प्रश्न आता है तो इस चीज को देखिएगा ये जो नेशनल पार्क है याद रखिए ये वेस्ट बंगाल में आता है और आपसे जब वो प्रश्न पूछेगा रेड पांडा से तो वो डायरेक्टली प्रश्न नहीं करेगा वो प्रश्न इस प्रकार से अंदर जाते हुए करेगा इन करेगा इन डेप्थ एनालिसिस से कि अगर रेड पांडा की संख्या कम हो रही है तो उसका कारण क्या है ब्रीडिंग डिप्रेशन प्रजनन की समस्या इस समस्या का समाधान क्या था कि रेड पांडा को उस स्थान से निकाला जाए और दूसरे स्थान पर उसे स्थापित करा जाए जब आप दूसरे स्थान पर स्थापित कर रहे हैं तो कहां स्थापित करा तो सिंगलीला नेशनल पार्क में कहां आता है वेस्ट बंगाल में और याद रखिए ये आता है हिल्स में अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में और ये भी याद रखिएगा कि ये जो पहाड़ियां हैं सिंगलीला की पहाड़ी ये किसे किसे अलग करती हैं तो आप पाएंगे कि सिक्किम हिमालय को ये सेपरेट करती हैं अलग करती हैं भूटान हिमालय से या फिर आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये नेपाल हिमालय को नेपाल हिमालय को ये अलग करती हैं भूटान हिमालय से और ये भी याद रखिएगा कि सिंगलीला नेशनल पार्क की जो हाईएस्ट पीक है अर्थात उच्चतम चोटी है इसका नाम है संदक काफू और याद रखिए इस चोटी को कहा जाता है पीक ऑफ पॉइजनस प्लांट्स अर्थात जहरीले पौधों की चोटी और यह याद रखिएगा ये जो जहरीले पौधे हैं ये कौन से पौधों की बात हो रही है तो याद रखिए वास्तविकता में बात हो रही है यहां कोबरा लिली की और ये कोबरा लिली क्या है तो ये कोबरा लिली जो है ऐसा पौधा होता है जिससे रिलीज होता है ऐसा पदार्थ जो मनुष्यों के लिए काफी जहरीला होता है और यह भी याद रखिएगा कि जब प्रश्न उसे रेड पांडा से या प्रजाति से पूछना था तो उसके करंट अफेयर ये लास्टली जो है महीने पहले का करंट अफेयर है वैसे परंतु याद रखें कि ये लगभग लगभग अब आज से दो साल तक कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि ये पुनर्वास कार्यक्रम शायद यह सालों से अवेटेड था अब जाकर इसे करा गया है तो आने वाले बहुत लंबे समय तक ये करंट में रहने वाला है तो याद रखिए की सिंगलीला नेशनल पार्क में से रखा गया है सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है और ये भी याद रखिएगा इसकी जो उच्चतम चोटी है संदक काफू इसे

चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रजाति पे आप पाएंगे कि ये है बेसिकली गयाल क्लियर अब यहां इसके बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए तो याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट तो इंफॉर्मेशन यही है कि ये जो है स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का इसके अलावा याद रखिए कि यह वास्तविकता में एक ऐसी उप प्रजाति है जो कि वास्तविकता में आप पाएंगे गौर से निकलकर बनी है अब यहां जानने योग्य बात है याद रखिएगा यह जो गौर है यह स्टेट एनिमल है किसका नागालैंड का अब याद रखें आगे जो गौर के बारे में हमें जानना है मैं अभी पांच मिनट बाद आपको बताता हूं पर यह आवश्यक रूप से याद रखिएगा कि बहुत ऐसी कम प्रजातियां होती हैं जिसे मॉडर्न मैन ने अर्थात जिसे जिस इतिहास को आप देख रहे हैं अभी जिसे हम देखते हैं हड़प्पा तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का जो समय है आप ये मान सकते हैं कि ये ऐसा इतिहास है जिससे हम वेल well अबेयर्ड हैं हमें इसके बारे में लिखित रूप से साक्ष्य पता है तो वो जीव या वो प्रजातियां जो नोन हिस्ट्री के बाद से यानी कि जो इतिहास हम पढ़ पाते हैं देख पाते हैं समझ पाते हैं जिस चीज को जिन लिपियों को हमने पढ़ लिया है इस प्रकार से लिपिबद्ध इतिहास के समय से आज तक मानव ने बहुत ज्यादा प्रजातियों को डोमेस्टिकेट नहीं करा है बहुत ज्यादा प्रजातियों को डोमेस्टिकेट नहीं करा है पालतू नहीं बनाया है अब समझिए इस चीज को अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ ही ऐसी चुनिंदा प्रजाति हैं जिसे हमने अभी ही कुछ सौ सालों में या दो सौ सालों में इन्हें डोमेस्टिकेट करके पालतू बनाया है तब के समय प्रजातियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनमें से एक ये गायल है या गयाल के नाम से जाना जाता है याद रखिए ये गौर का ही एक फॉर्म है और इसे जो है वो मानव ने पालतू में कन्वर्ट कर लिया है नो no डाउट के ये काफी पहले से कन्वर्ट हो चुका है परंतु अगर आप भारत के परिपेक्ष में देखें तो अभी रिसेंट में जिन्हें हम कह सकते हैं कि बीते 500-600 सालों में ये काफी ज्यादा डोमेस्टिकेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा स्तर पर इनको जो है पालतू बनाया जा चुका है ये उनमें से कुछ लेटेस्ट जीवों में से एक है इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सर्च करें तो यूपीएससी ने प्रश्न भी इस प्रकार से पूछे हैं कि रिसेंटली फलाना डिमकाना जो प्रजाति है उसको कब डोमेस्टिकेट करा गया या खासकर ये कहाँ पाई जाती है जिसे अभी पालतू बनाया गया है क्लियर तो इसे याद रखिएगा कि ये रिसेंटली भले ही रीसेंट का मतलब अभी बहुत पुराना है परंतु लेटेस्ट में तो यही अवेलेबल है कि ये इसे जो है वो पालतू बनाया गया और इसे सामान्यतः एक नाम और से जाना जाता है मिथन या कभी कभार इसे मिथुन भी बोलते हैं याद रखिए कि मिथन बोले या मिथुन बोले ये नाम इसका जो है वो लोकल नेम है और यूपीएससी लोकल नेम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है तो आपने गयाल के बारे में क्या क्या देखा आपने गयाल के बारे में देखा ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का ये एक उप प्रजाति है या आप कहें ऐसी स्पीशी है जो डोमेस्टिकेट अर्थात पालतू करी गई है ये कहा से बिलोंग करती है तो याद रखिएगा ये गौर से ही बिलोंग करती है अर्थात गौर की प्रजाति का ही एक भाग है क्लियर अब आ जाते हैं हम गौर पे यहां ध्यान से देखिए ये मैसिव साइज का एनिमल है गौर अब यहां जानने योग्य बात है बहुत ध्यान से समझिएगा याद रखिए टेक्सोनॉमी से काफी ज्यादा प्रश्न यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं पर आपको तैयार हमेशा रहना है अगर यूपीएससी ने प्रश्न नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं है वो कभी करेगी नहीं रिसेंटली भले ही कोई प्रश्न ना हो पर प्रीवियसली पहले के समय में यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं तो हमेशा याद रखें कि जो कैटल्स हैं अर्थात जो मवेशी हैं मवेशियों में सबसे बड़ा मवेशी जो होता है वो बाइसिन होता है याद रखें बाइसिन और ये भी याद रखेगा इसके स्ट्रांग होने का बाइसिन मतलब कि इसे हिंदी में गौर कहा जाता है याद रखिए इसके स्ट्रांग होने का मेन कारण क्या है तो हमेशा याद रखें जैसा आप इस इमेज में भी देख पाएंगे कि अगर कोई जीव आपको देखने को मिले जिसका जो अपर हेड पार्ट है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो यानी कि सामने वाला जो हिस्सा है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चेस्ट वाला और अगर आप ह्यूमन में देखें तो ये चेस्ट और शोल्डर से डिफाइन होगा ये अगर भाग जितना स्ट्रांग है वो एनिमल उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है आप समझिए इस चीज को कि ये जो जीव है इसका साइज भी काफी बड़ा होता है और जो अपर चेस्ट मसल्स होते हैं ये भी काफी बल्कि होते हैं ये ऐसा दिखता है जैसे एक बॉडी बिल्डर हो अब इस चीज को याद रखिएगा कि गौर को कहा जाता है इंडियन बाइसिन क्लियर इसका मतलब है कि बाइसिन होंगे विश्व में और भी तो यहां याद रखें कि प्रश्न इस प्रकार से आएगा बाइसिन से कि याद रखिए विश्व में तीन प्रकार के बाइसिन क्लियर एक को कहा जाता है अमेरिकन बाइसिन दूसरे को कहा जाता है यूरोपियन बाइसिन और तीसरे को कहा जाता है इंडियन बाइसिन अब यहां याद रखने योग्य बात है जो इंडियन बाइसिन है यह इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान के साथ साथ साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया में उपस्थित है अब यहां याद रखने योग्य बात है कि जो इंडियन बाइसिन है इसके लिए ये जो बाइसिन है इसे ट्रक बाइसिन भी कहा जाता है

और मेरी आपको एक एडवाइस भी है बच्चों याद रखिए कि जो ये आयु सी एन की लिस्ट है यूज़ यूज 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 अब आने वाले समय में यूपीएससी इस प्रकार से भी गेम खेलेगा कि वो डायरेक्टली आई के सिंबल को बस यूज करे जैसे वनरेबल को कहा जाता है सुभेद्य एक्सटिंग को कहा जाता है लुप्त अब वो ये वर्ड यूज ना करके सीधा सीधा ये सिंबल यूज करेगा तो आई थिंक आप सभी इतने जो है वो स्मार्ट जरूर है कि कुछ वर्ड्स को आप इंग्लिश में याद कर पाए तो याद रखिए जो इंडियन बाइसिन इसका आई स्टेटस और मेरे अकॉर्डिंगली आपको इसे इंग्लिश में याद करना भी चाहिए क्योंकि बनता हुआ प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा में गलत हो यह आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है क्लियर तो याद रखें इसका आई स्टेटस है वी एन अर्थात वनरेबल क्लियर सुभेद्य खतरे में आ चुका है इसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो अमेरिकन बाइसिन है और जो यूरोपियन बाइसिन है इसका भी आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए इसका आयुष स्टेटस है एनटी एनटी अर्थात नियर टू अर्थात खतरे की सीमा के पास ही यह खड़ा हुआ है

तो ये बेसिकली जो है मणिपुर का स्टेट एनिमल है याद रखें इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं यहां ध्यान से देखिए एक तो पहला स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का पहली चीज दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो सांगई है इसके लिए की इसका एक और नाम है इसे कहा जाता है डांसिंग डियर अर्थात नाचने वाला हिरन अब यहां समझिएगा इसे डांसिंग डियर क्यों कहा जाता है तो आपने सामान्यतः कभी किसी वीडियो में या फिर कभी किसी कैलेंडर में देखा होगा जब डियर्स यानी कि जब हिरन दौड़ते हैं तो ये छलांग लगाते हुए दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे डांसिंग स्टाइल में दौड़ रहे हैं ऐसा समझा जाएगा कि इसीलिए सांगई को जो है डांसिंग डियर कहा जाता है परंतु ऐसा नहीं है याद रखिए जो उछलते हुए जाने वाले हिरण है है एक अलग प्रजाति उछल उछल के नहीं जाते इनको डांसिंग कहने का रीजन ये है कि ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं जिस पर्यावरण में रहते हैं देखिए किस प्रकार से जो है वो प्रश्न ड्रिफ्ट होगा किस प्रकार से प्रश्न टफ होगा याद रखिए कि ये जंप करते हुए नहीं जाते अर्थात इनकी चाल के कारण इन्हें नहीं कहा जाता डांसिंग डियर इसका कारण यह है कि ये जहां रहते हैं उस आवास के कारण इन्हें डांसिंग डियर कहा जाता है और कारण क्या है यह रहते हैं याद रखेगा मणिपुर के मणिपुर के एक नेशनल पार्क में और एक मात्र स्थान पर यह देखने को मिलेंगे यह नेशनल पार्क है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान और यह याद रखिएगा कि यह जो नेशनल पार्क है इसमें एकमात्र स्थान है ये एकमात्र स्थान है जहां आपको ये हिरण देखने को मिलता है कारण है याद रखिएगा ये नेशनल पार्क वास्तविकता में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है अर्थात एक झील के अंदर और वो झील कौन सी है वो झील है लोकटक झील क्लियर तो लोकटक झील के अंदर फुंडिस अब ये फुंडिस क्या होता है तो याद रखिएगा वो वनस्पति जो सड़ जाती है सड़ने के पश्चात उसका जो पदार्थ शेष बच जाता है वो इस स्थान पर जो है वो इकट्ठा होता है इस झील के अंदर कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है वो झील है तो इसके बीच वाले भाग में इस स्थान पर इस प्रकार से डेड एंड डिकम्पोस्ड वेजिटेटिव मैटर अर्थात मृत और अपघटित वानस्पतिक पदार्थ बीच में इकट्ठा हो चुका है और इकट्ठा होने के पश्चात इसने एक वृहद एरिया वृहद क्षेत्र कवर करा है और इसमें जो है वो ये नेशनल पार्क बसा हुआ है तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये तैरता है डेड एंड डीकम्पोज वेजिटेटिव मैटर अर्थात वो जैविक या वानस्पतिक पदार्थ जो सड़ चुके हैं और सड़ने के पश्चात उन्होंने एक लेयर बना ली है क्लियर है इसे इस वानस्पतिक पदार्थ को कहा जाता है बच्चों याद रखिए फुंडिस और यह भी याद रखिएगा कि इसी पर यह तैर रहा है फ्लोटिंग नेशनल पार्क और यह याद रखिए कि इसी तैरते हुए नेशनल पार्क के नेचर के कारण इसे जो है वो डांसिंग डियर कहा जाता है यानी कि इसकी कोई चाल ऐसी नहीं है ये जंप लगाते हुए नहीं चलता परंतु जिस स्थान पर यह रहता है उस स्थान में ये एरिया कभी कभार हिलता है या फिर इस एरिया के हिल सकने की जो प्रवृत्ति है इस कारण इसे डांसिंग कहा जाता है क्लियर तो हमने सिर्फ एक प्रजाति से कितने सारे डायमेंशन कवर करे और ये भी याद रखिए एक डायमेंशन कि ये जो केबुल जो नेशनल पार्क है जिस झील में है इसे कहा जाता है लोकटक झील और यह भी याद रखिएगा ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह भी याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन अर्थात एक कन्वेंशन है एक संधि है जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है जिसका भारत भी जो है पार्ट है ये आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अर्थात वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए एक लिस्ट बनाती है जिसे जो है वो रामसर साइट के नाम से जाना जाता है भारत में अभी पचहत्तर रामसर साइट्स हैं और याद रखिएगा अभी रिसेंटली एक साल में तीस शायद अगर मैं रॉन्ग रॉन्ग नहीं आई एम नॉट देन लगभग लगभग साइटों को और जोड़ा गया है यानी कि रामसर जो कन्वेंशन है काफी ज्यादा एक्टिव है इंडिया के लिए और याद रखिए कि अब कुल मिलाकर सत्तर जो है रामसर साइट्स हो चुकी हैं और इसके बाद हो सकता है कुछ और भी एड हो तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार गूगल करके हमेशा क्रॉस चेक करें कि अपडेट हुआ है क्या और याद रखिए तो है, या है, है उसके लिए अलग लिस्ट बनाई जाती है जिसे कहा जाता है रिकॉर्ड। और ये भी याद कि भारत में मोन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड में आने वाली दो झीलें है और इन दोनों से प्रश्न पहले आ चुके हैं उनमें से एक है लोकटक झील और दूसरी वास्तविकता में कौन सी है तो ये है हमारे राजस्थान में मिलने वाली एक झील फाइन जो भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती है केवला देव झील क्लियर केवला देव घाना नेशनल पार्क के पास आती है माफ कीजिएगा और ये जो केवला देव घाना नेशनल पार्क की केवला देव झील है ये तथा लोकटाक ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आने वाली भारत की दो झीलें हैं दो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं दो वेटलैंड्स हैं क्लियर तो एक प्रजाति से हमारे बहुत सारे डायमेंशन कवर हुए और नो डाउट आप एक बार गूगल करके देखें ये सारे डायमेंशन सिविल सेवा परीक्षा ने बहुत बार पूछे हैं

कोई जो है ऐसा हो जिसे ना पता हो वास्तविकता में ये भारत का एकमात्र गिब्बन है अब गिब्बन क्या होते हैं तो मैंने जो है वो एक वीडियो बनाया था इसमें कि मानव किस प्रकार से जो है वो चेंज हुआ या फिर मानव का उद्विकास किस प्रकार से हुआ उसके क्रम में एक जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि किस प्रकार से गिब्बन और एप आए थे अब इस चीज को समझिए अगर मैं आपको एक सिंपल मैनर में समझाऊं तो याद रखिएगा इनिशियली ऑल ह्यूमंस वाज मंकीज हम सभी जो है वो बंदर थे और बंदर से इवॉल्व होते हुए हम हम यहां तक पहुंचे हैं तो बंदर से इवॉल्व होने के क्रम में में जो जो है है सबसे पहले एप एप बने एप में जो है हमारा मुख बाहर की तरफ था फिर धीरे से हम गिब्बन बने जिसका मुंह जो है वो धीरे धीरे अंदर चला गया क्लियर हम थोड़े जो है वो प्रोएक्टिव हो गए अपने हाथों को लेकर एप एप से गिब्बन गिब्बन से रामापेथिकस ड्रायापेथिकस शिवापेथिकस होमोहैबिलिस होमोहेबिलिस वो थे जो हड्डियों और पत्थरों का यूज करके जो है हथियार बनाया करते थे होमोनियनडरथल जो बेसिकली जो है वो सेंसक्रिताइज हो चुका था यानी कि कुल मिला के उनमें भावनाएं आ चुकी थी फैमिली की फीलिंग थी होमो इरेक्टस जो सीधा खड़ा हो चुका था पूछ गायब हो चुकी थी और आग लगाना सीख चुका था आग को कंट्रोल करना सीख चुका था क्लियर इसी प्रकार से होमो इरेक्टस से चलते हुए क्रोमैगन और होमो सेपियन तक आए थे इसी क्रम के जो है हमने एक पूरा वीडियो इस पर डिस्कस करा है क्लियर अब इसी क्रम में जो ये जीव आया इसे कहा जाता है हुलुक गिब्बन क्लियर अब आए इसके बारे में एक बार जो है कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हुलुक गिब्बन है याद रखिएगा ये बेसिकली स्टेट एनिमल कहां का है तो ये मिजोरम का है इसके अलावा याद रखिएगा जो गिब्बन है ये गिब्बन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गिब्बन है अब ये भी याद रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा है अर्थात कोई इससे भी बड़ा है तो इसके लिए याद रखिए एक गिब्बन है जिसे कहा जाता है सिया मांग। क्लियर मैं एक बार फिर से लिख दू सिया मंग या सिया मंग याद रखिए यह विश्व का सबसे बड़ा गिब्बन है अब यहां जानने योग्य बात है याद रखिए कि यह जो हुलू गिब्बन है ये एक नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है नामडाफा नेशनल पार्क और यह भी याद रखिएगा कि नाम डाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में आता है वो नेशनल पार्क काफी ज्यादा फेमस है हुए नो डाउट स्टेट एनिमल है मिजोरम का लेकिन जो नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है वो नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का नामडाफा नेशनल पार्क है और यह भी याद रखेगा नामडाफा नेशनल पार्क में कि यहां आपको जो है वो सारे प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है आप पाएंगे कि यहां पर जलवायु जो है वो कितनी तेजी से चेंज होती है आपको उष्ण जलवायु की वनस्पतियां भी एक नेशनल पार्क के अंदर और उसी नेशनल पार्क के अंदर आपको टुंडरा जैसी जलवायु भी देखने को मिलेगी और टुंडरा जैसी वनस्पतियां भी देखने को मिलेंगी इसे जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तेजी से परिवर्तन कहा जाता है और याद रखिएगा इससे प्रश्न आ चुका है पहले तो ये भी याद रखें कि नाम डाफा नेशनल पार्क से जब एक बार यूपीएससी पूछ चुका है तो दूसरी बार भी पूछने की संभावना है और ये याद रखें कि नाम डाफा नेशनल पार्क फेमस है अपने गिब्बन के लिए और ये भारत का एकमात्र गिब्बन है क्लियर चलिए देखते हैं भारत का एकमात्र गिबन तथा साथ में नाम डाफा और यह आता है अरुणाचल प्रदेश में चलिए अब इसी प्रकार से चलते हुए अगर हम नीचे आए तो याद रखिए ये जो मंकी आपको देखने को मिल रहा है ये है बेसिकली वो स्पीशी वो प्रजाति जो काफी रेयर है और आज के समय तो काफी सीमित ही ये शेष बची है याद रखिए इसे कहा जाता है चश्मे वाला अब इसके चश्मे वाला क्यों कहा जा रहा है तो इसके फेस में कुछ इस प्रकार से सर्किल दिखते हैं और इन सर्किल्स के कारण इसे जो है वो चश्मे वाला बंदर या फिर लीफ मंकी कहा जाता है अब इसे लीफ मंकी या चश्मे वाला मंकी क्यों कहा जा रहा है तो चश्मे वाला तो इस क्लियर तो अब हम इसके बारे में देखेंगे याद रखिए जस्ट अ सेकेंड याद रखिए इसका एक नाम और यूज होता है इसे कहा जाता है फेरेज मंकी मैं एक बार नाम लिख लेता हूं फेरेस

डिस्कवर करा था इसलिए उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया फेरेज मंकी क्लियर अदरवाइज इसका नाम जो है वो दूसरा यूज होता है लीफ मंकी लीफ़ मंकी जस्ट सेकेंड लीफ मंकी अब इसे लीफ मंकी या चश्मे वाला बंदर ये क्यों कहा जाता है तो याद रखिए चश्मे वाले से तो एग्जेक्टली exactly क्लियर है कि इसका जो फेस है उस कारण इसे जो है इस उपनाम से जाना जाता है अब लीफ मंकी क्यों कहा जाता है तो याद रखिएगा ये ओस की बूंदों को और याद रखिए मंकी जो है कभी भी पेड़ से नीचे उतरना प्रिफर ही नहीं करता ये काफी ज्यादा शर्मीले होते हैं और ये पेड़ से सामान्यतः नीचे नहीं आते जब नीचे नहीं आते तो पानी के लिए डिपेंड किस बात पे करते हैं तो याद रखिएगा जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो पेड़ के पत्तों में भर जाता है ये उसे पीकर तथा रात के समय जो ओस की बूंदे जम जाती है इन पत्तों पर उन पत्तों का पानी पीकर ये जीवित रहते हैं इस कारण इन्हें लीफ मंकी या फिर मैं कहूं के चश्मे वाला बंदर कहा जाता है पॉइंट क्लियर है अब यहां याद रखने योग्य बात है एक नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है सिपाही जाला नेशनल पार्क आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी इसका नाम जरूर पढ़ा होगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं नेशनल पार्क याद करे होंगे और अगर आपने याद नहीं करे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं कि आप जो है वो नेशनल पार्क पे एक वीडियो चाहते हैं क्लियर तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे पर अभी याद रखिएगा सिपाही जला एक नेशनल पार्क है वहां ये देखने को मिलता है अब आपको ये बताना है मुझे कि नेशनल पार्क एग्जैक्टली कौन से राज्य में आता है क्लियर मैं यहां मेंशन कर दूं अब यहां एक बात और जानने योग्य है याद रखिए इसका जो आयु स्टेटस है ये लुप्त प्राय है अर्थात ये एक्सटिंक्ट होने यानी खत्म होने की कगार पर है और ये काफी इंटरेस्टिंग है जानना याद रखिए जस्ट जैसे तो मैं इसे एडजस्ट कर दूं याद रखिए कि इसके खत्म होने का या इसके कम होने का एक स्पेसिफिक कारण है एक सीधा कारण है याद रखिए ये जो मिजोरम वाला क्षेत्र है यहां पर हो रहा है आजकल तेजी से एक ट्रेंड और ट्रेंड क्या है ट्रेंड है रबड़ का उत्पादन अब जब कभी किसी स्थान पर इस प्रकार से बागवानी कृषि काफी ज्यादा फेमस होगी तो याद रखिए कि जंगल के जंगल काटे जाएंगे और काटने के पश्चात जो है वहां पर बागवानी की जाएगी वहां पर हॉर्टिकल्चर करा जाएगा और जब कभी इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर होगा तो बच्चों याद रखिए वहां के जो जीव हैं वो बहुत जल्दी वहां से जो है वो हट नहीं पाएंगे अब जो व्यक्ति प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अर्थात कीमत से लागत लगाकर जो है कमाई के लिए उस स्थान पर आया है उनके लिए ये जीव जो है वो बिल्कुल डिजायरेबल नहीं होंगे अब ये बंदर आके रबर के पेड़ पर अगर निवास करते हैं और अगर वहां पर कोई कृषक या फिर कोई जो व्यक्ति है जो बागवानी कर रहा है वो वहां पर आएगा तो याद रखिए उसके लिए ये टॉलरेबल नहीं होगा कि इन मंकीज को जो है उस स्थान पर रहने दिया जाए नो no डाउट कि ये मंकी कुछ खास नहीं करने वाला उस पेड़ के साथ कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाएगा परंतु जो कृषक होगा या फिर जो व्यक्ति वहां पर फार्मिंग कर रहा होगा वो इन्हें हटाने का जरूर प्रयास करेगा और रबड़ का बढ़ता हुआ ट्रेंड रबड़ के उत्पादन का बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है मिजोरम में इन प्रजातियों के लिए काफी ज्यादा खतरा बन चुका है कारण क्या है कि ये अनुकूलित हो चुके हैं वास्तविकता में रबड़ के पेड़ पर अपने आप को जो है वो सरवाइव कराने के लिए पर कृषक रेडी नहीं है अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये प्रजाति जो है वो खत्म होने की बिल्कुल कगार पर आ चुकी है और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं तो एक चीज और याद रखेगा अभी तो आप जो है वो स्टडी के फेजेस में है आपको इस प्रकार से इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं एग्जाम्पल एक बैंक होता है जिसे जीनोम बैंक बोलते हैं जब भारत सरकार को या किसी भी देश की सरकार को यह फील होने लगता है कि ये प्रजाति अब नहीं बचेगी हम कितना भी प्रयास कर लें तो वो उस प्रजाति के जो है वो डीएनए एन ए को निकालकर स्टोर कर लेती है फर्दर आगे स्टडीज के लिए या फिर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू या एंड नंबर ऑफ आने वाले समय में दिखेंगी तो उनका यूज करके इसे इसे रिवाइव करा जा सके, इसे पाया जा सके सके पुनः पाया तो याद रखिए जब कभी ऐसी न्यूज आती है कि जीनोम बैंक में इसे ऐड करा गया है या फिर एक और कई प्रकार के बैंक्स होते हैं डीएनए से रिलेटेड फाइन उसमें अगर किसी प्रजाति का डीएनए गया है इसका मतलब है भारत सरकार को और साइंटिस्ट को अब ये फील होने लग रहा है कि ये प्रजाति आने वाले समय में शायद अब समाप्त हो जाए और इसका डीएनए जो है उसमें जा चुका है तो इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में रहेगा याद रखिएगा डायमेंशन की इसे डिस्कवर करा था इसलिए मैंने जो है इसमें थोड़ा ज्यादा जो है ऐड करने का प्रयास करा फिर इस मंकी कहते हैं इसे चश्मे वाला बंदर या फिर लीफ मंकी कहते हैं लीफ मंकी क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पानी के जो बूंदे पत्तों पे इकट्ठा हो जाती है उसे पेयजल की तरह उपयोग करते हैं सामान्यतः नीचे आना जो है प्रिफर नहीं करते और भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं याद रखिएगा, ये समूह में रहते हैं और जैसे ह्यूमंस में होता है परमानेंट कपलिंग अर्थात एक बार शादी के पश्चात जो है वो आगे की लाइफ लंबे समय तक बिताना कुछ इस प्रकार का एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं होता पर ये प्रीफर करते हैं कि मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग जो है वो एक ही पार्टनर के साथ हो और इसमें आपको जो है ये फैमिली की तरह रहते हुए दिखाई देंगे काफी शर्मिले होते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन अर्थात मानव का हस्तक्षेप जो है ज्यादा पसंद नहीं करते क्लियर इस स्थान से गायब हो जाते हैं उस एरिया को छोड़ देते हैं ये भी याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया में या मैं कहूं साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा ले मिलते थे आज के समय आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं तो इतना सेक्शन जो है इतना पार्ट हमारा समाप्त हुआ हम पहुंच चुके हैं कहां तक तो हम पहुंच चुके हैं मिजोरम तक इसी प्रकार से आए दर्शन करें इस जीव के याद रखिए इसे कहा जाता है क्लाउडेड लेपर्ड फाइन अब यहां जानने योग्य बात है आइए इसके बारे में देखते हैं क्लाउडेड लेपर्ड अब यहां याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड पहली चीज तो ये कहां का स्टेट एनिमल है तो स्टेट एनिमल है मेघालय का ये मेघालय का राजकीय पशु है दूसरी चीज याद रखिएगा ये फाइव बिग कैट्स इसमें आता है अर्थात अगर मैं आपसे इस प्रकार से कहूं कि जो पांच बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है फाइन उसे आप इस प्रकार से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं जो आपको इस ये वाला मैं आपको पहले जो हिम तेंदुए वाला वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं यहां केवल सिंबॉलिकली अगर हम यूज करें तो याद रखिएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है और बिल्लियों की प्रजातियां अलग अलग तरीके से चेंज होती जाती है जो उष्ण क्षेत्र है जहां वहां पर आपको जो है वो टाइगर देखने को मिलेगा बाघ देखने को मिलेगा जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधी अर्थात एरिया में वहां पर आपको क्लाउडेड लेपर्ड ये जीव देखने को मिलेगा और फिर अगर आप और आगे जाते हैं तो आपको ऊपर जाने पर या ऊंचाई बढ़ाएं या फिर तापमान कम करें तो आपको जो टुंड्रा वाला एरिया है वहां स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा तो ये जो क्रम है ये जो ऑर्डर है इसे बहुत डिटेल में मैंने हिम तेंदुए वाले में समझाया है आप वहां से इसे प्रीफर कर सकते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ में ये भी जान लें कि जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है एक नेशनल पार्क में जिसे कहा जाता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और शॉकिंगली नेशनल पार्क आता है त्रिपुरा में तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो चीजें काफी कंफ्यूजिंग हैं और इसी का फायदा उठाकर सिविल सेवा परीक्षा आपसे एक इजी सा दिखने वाला लेकिन होता है काफी टफ प्रश्न करती है क्लियर तरीका बताऊं तो इसे आप इस प्रकार से याद कर अगर मैं आपको एक छोटा सा वर्ल्ड मैप दूं तो आप पाएंगे कि यह जो क्षेत्र है यह है हमारा ग्रेट इंडिया जस्ट अ सेकेंड यह है हमारा ग्रेट इंडिया इस प्रकार से आप देखें और चलते हुए आएंगे तो ये है कोरिया वाला पार्ट ये आप देख पा रहे हैं ये रशिया वाला पार्ट है इस प्रकार से हम इतना पोर्शन हटा देते हैं ये है एशिया का इन शॉर्ट मैप अब इसमें याद रखिएगा कि जो जस्ट सेकेंड अब यहां पर याद रखने योग्य बात है आपको इस स्थान पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां अगर मैं इस प्रकार से इसे ब्लैक करूं तो याद रखिए इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है क्लाउडेड लेपर्ड अर्थात हिम तेंदुए सॉरी क्लाउडेड लेपर्ड अर्थात धूमिल तेंदुए हिंदी में कहा जाता है आप लोग इंग्लिश में ही याद करें क्योंकि अब जो है वो यही वर्ड यूज हो रहा है इसके ऊपर यहां देखेंगे अगर आप जस्ट अ सेकेंड अगर मैं इसे कलर चेंज करूं तो यहां अगर आप पाए तो यहां आपको जो है वो हिम तेंदुआ देखने को मिलता है जिसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं अर्थात जो ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पर स्नो लेपर्ड जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड क्लियर ये क्लाउडेडो का पार्ट है ये जो है ये हिम तेंदुए वाला पार्ट है और इसी प्रकार से अगर आप ऊपर जाएंगे तो याद रखिएगा यहां आपको जो है वो एक और बिग कैट देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है साइबेरियन बाघ का क्षेत्र क्लियर काफी कम बचे हैं अब ये तो लगभग लगभग खत्म होने की कगार में हैं परंतु याद जरूर रखिएगा इस प्रकार से कि यहां आपको क्लाउडेड लेपर्ड इसके ऊपर जाएंगे तो आपको हिम तेंदुए अर्थात स्नो लेपर्ड और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको साइबेरियन बाघ या साइबेरियन टाइगर देखने को मिलेगा आइए इसे मैं मेंशन कर देता हूं आपको इस प्रकार से जो है वो क्रम देखने को मिलता है क्लियर है अब इससे रिगार्डिंग अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि जो क्लाउडेड लेपर्ड या धूमिल तेंदुआ इसे हिंदी में कहा जाता है परंतु यूपीएससी ने जब भी इससे प्रश्न करे तो उसने क्लाउडेड ही लिखा है हिंदी में भी अब याद रखिए जो क्लाउडेड या हिम तेंदुआ सॉरी जो धूमिल तेंदुआ है इसके लिए याद रखिएगा इसका शिकार करा जाता है और इसका शिकार मुख्यतः जो है इसके फर के लिए करा जाता है और इसका फर जो है इस फर को कहा जाता है क्लाउडेड प्रिंट जैसे बाघ प्रिंट होता है ऐसे क्लाउडेड प्रिंट बाघ प्रिंट चीता प्रिंट और क्लाउडेड प्रिंट ये क्लाउडेड प्रिंट के लिए काफी फेमस है और ये भी याद रखिएगा इसकी फर जो होता है वो काफी ज्यादा मोटा नहीं होता अर्थात ऊनी कपड़ों बनाने में इसका यूज नहीं होता वुलन क्लोथिंग में इसका यूज नहीं होता ये फैशन की क्लोथिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है क्लियर तो एक बाघ पैटर्न होता है एक चीता पैटर्न होता है और एक क्लाउडेड पैटर्न होता है और क्लाउडेड पैटर्न याद रखिएगा इसी लिपट की स्किन से बनता है क्लियर है चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं याद रखें अब आ जाते हैं हम राइनो पे याद रखिएगा ये जो राइनो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है एक थ्योरी से समझिए इस चीज को कि राइनो जो है वो टसल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं अब ये टसल जीव क्या होते हैं तो समझिए ऐसे शाकाहारी विशाल जीव जो टेरेस्ट्रियल अर्थात जमीनी एरिया में मिलते हैं जिनका आकार काफी वृहद होता है इन्हें टसल कहा जाता है और ये जो टसल जीव होते हैं ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट होते हैं अर्थात जंगल के अंदर अगर आपको कभी भी किसी जंगल से ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि काफी ज्यादा जीव निकल कर अटैक कर रहे हैं रहवासी एरिया में शहरी एरिया में तो ध्यान से नोटिस करिएगा आप पाएंगे कि कोई भी जीव जंगल से निकल के शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा तो आपको एक कॉमैलिटी देखने को मिलेगी उस स्थान से वहां के टसल एनिमल्स को हटाया गया है कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से एक जंगल है यह एक जंगली क्षेत्र है अब इस जंगली क्षेत्र में पूरे जगह जो है वृक्षों का आवरण है अब जो जीव है वो एक स्थान से मान लेते हैं कि ये दो जलाशय हैं क्लियर अब जो जंगली जीव हैं वो एक जलाशय से दूसरे जलाशय जाने के लिए रास्ते का यूज करते हैं अब ये रास्तों का निर्माण कौन करता है याद रखिए कि ये जो टसल एनिमल होते हैं ये टसल एनिमल किसी भी जंगल के अंदर वही कार्य करते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है अर्थात रास्तों का निर्माण करते हैं ये जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं जब एक जलाशय से दूसरे जलाशय की ओर इनका जो है वो पलायन होता है तो उस बीच ये जिस रास्ते का यूज करते हैं वो रास्ता अदर जीवों के लिए रास्ता हो जाता है हर जीव को ये पता होता है कि अगर कोई रास्ता उसे जंगल में दिख रहा है तो ये रास्ता डेफिनेटली जो है वो किसी जलाशय में जाकर ओपन होगा तो ये एक चीज याद रखिए जो भी बड़े टसल एनिमल होते हैं अगर वो किसी जंगल से गायब हो जाएं तो आपको सीधा प्रभाव कुछ ही दिनों में ये देखने को मिलेगा कि उस जंगल से जीव जो है वो भटकते हुए जंगलों से बाहर आ जाएंगे कारण क्या है उन्हें रास्ते दिखना बंद हो चुके हैं फाइन क्लियर चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब आए इसके नेक्स्ट डायमेंशन पे इस प्रकार से हम देखें कि राइनो ये किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम से समझाना चाहूं जस्ट अ सेकेंड यह याद रखिए कि अगर मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूं तो आप आएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये अगर अफ्रीका है और अगर मैं कहूं ये एशिया है तो हमेशा याद रखिए जो प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र आप इस प्रकार से देखते हैं ये पहले वास्तविकता में अफ्रीका का भाग था और ये इस प्रकार से टूट कर अलग हुआ है अफ्रीका से और अफ्रीका से अलग होकर यह इस प्रकार से उत्तर पूर्व की दिशा में बहा और बहने के पश्चात जो है ये टकराया है एशिया से तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का वास्तविकता में विभाजन हुआ है पहले प्रायद्वीपीय भारत जो है वो अफ्रीका का भाग था अफ्रीका से अलग हुआ और एशिया से टकराया और यही कारण है कि आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी प्रजातियां जो निवास करती हैं अफ्रीका में वो स्थानिक प्रजाति हैं अफ्रीका की वो प्रजातियां आपको भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलती है और इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रजाति है वास्तविकता में राइनो याद रखिए कि राइनो की चार प्रजातियां हैं अब ये जो डेटा मैं आपसे बात करने वाला हूं जिस पर ये वर्ल्ड फंड से मैंने जो है वो यूज करा है आपको आने वाले समय में इससे डेफिनेटली प्रश्न दिखेंगे क्योंकि पहले भी इससे प्रश्न आ चुके हैं क्लियर तो ध्यान से देखिए याद रखिए पूरे विश्व में जो है वो राइनो की यहां जानने योग्य चीज है कि विश्व में जो राइनो है इनकी कितनी प्रजातियां हैं तो यहां आपको पांच प्रजातियां देखने को मिलती हैं राइनोस की क्लियर सबसे पहला है ब्लैक राइनो दूसरा है व्हाइट राइनो तीसरा है जावा या जवाइन राइनो देन आता है सुमात्रा या कहूं सुमात्राइन राइनो और लास्ट है इंडियन राइनो आपको याद रखना है कि ब्लैक और व्हाइट राइनो ये दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं अफ्रीका में ओके अब यहां याद रखेगा जो ब्लैक राइनो है इसका जो स्टेटस है और जो व्हाइट राइनो है इसका स्टेटस ये डिफरेंट है जस्ट अ सेकेंड मैं यहां पर मेंशन करने वाला हूं आई यू सी एन स्टेटस क्लियर हर एक का और मेरी आप सभी को एडवाइस होगी कि इन सभी का स्टेटस याद कर लें क्लियर याद रखिए जो ब्लैक राइनो है ये राइनो सबसे बड़े साइज के राइनोज में से एक है ब्लैक और व्हाइट ये दोनों ही राइनो का जो साइज है ये काफी ज्यादा बड़ा है क्लियर अब यहां याद रखिएगा जो ब्लैक राइनो है ये सी आर अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये काफी ज्यादा जो है वो खतरे में है इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है लेकिन जो व्हाइट राइनो है ये एंटी है एंटी मतलब नियर टू थ्रेटन है यानी कि खतरे की सीमा में प्रवेश करने वाला है तो सबसे ज्यादा खतरे में कौन होगा ये होगा ब्लैक राइनो सेकेंडली है जो खतरे में कम है रहता अफ्रीका में ही है इसे कहा जाता है व्हाइट राइनो अब यहां याद रखने योग्य बात है कि जो ब्लैक राइनो है बच्चों इसका बहुत ज्यादा शिकार करा गया है और यह भी याद रखिएगा कि इसके शिकार का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ इसका सींग नहीं है क्लियर वास्तविकता में इसकी स्किन भी इसके शिकार का बहुत बड़ा कारण है क्लियर मतलब इसकी चमड़ी के लिए इसके चमड़े के लिए और साथ में जो है वो सींग के लिए इसका जो है वो शिकार या हंटिंग की जाती है क्लियर इसके अलावा ये भी याद रखिए जो और सुमात्राइन राइनो है इनका साइज काफी कम होता है क्लियर अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार आप गूगल करके देखिएगा आपको दिखेगा कि ब्लैक व्हाइट या इंडियन राइनो ये मैसिव साइज के होते हैं बड़े साइज के होते हैं क्लियर लेकिन जो जवाइन या सुमात्राइन राइनो है ये आपको काफी क्यूट और छोटे से दिखाई देंगे काफी ज्यादा छोटे नहीं होते लेकिन आकार जो है वो सामान्य औसत से इनके कंपैरिजन में काफी कम होता है और ये भी याद रखिएगा कि और सुमात्राइन राइनो इनकी जनसंख्या तो काफी ज्यादा तेजी से कम हो रही है और इवन अभी अपडेटेड नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में आप जरूर इस टॉपिक से रिलेटेड रहिएगा क्योंकि बहुत जल्दी ही समाप्त या लुप्त घोषित होने वाले हैं क्लियर अब इनका स्टेटस जैसा कि आपको क्लियर हो ही चुका होगा ये सी आर है अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब जो लास्ट बचता है ये है इंडियन राइनो याद रखिएगा इंडियन राइनो का जो स्टेटस है ये अभी कुछ समय में चेंज भी होने वाला है किस डायरेक्शन में जाएगा परफेक्टली वी डोंट नो बट हाँ ये चेंज जरूर होगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज मैंने रीड करी थी हिंदू में छोटा सा कॉलम आया था पर अभी अपडेटेड है नहीं परंतु जो आज तक है जिस डेट पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है यानी कि सुभेद्य क्लियर मैं यूज़ कर रहा हूं आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए अब यहां एक जानने योग्य बात है याद रखिएगा जस्ट अ सेकेंड कर दूं याद रखिएगा कि ये जितने भी राइनोज आपने देखे इन सभी में कॉमेनैलिटी है एक समानता है कि ये सभी ऊपर से नीचे तक ये सभी जो है वो डबल हॉर्न है अर्थात दो सिंग वाले हैं पर बच्चों समझने में गलती ना करें दो सिंग का मतलब इस स्थान से निकले हुए दो सिंग नहीं है इसी प्रकार से यहां पर आप देख लें याद रखिए अगर ये जो है वो राइनो का फेस है तो याद रखिए कि जो सिंग है वो आपको इस प्रकार से दो दिखेंगे एक होगा मेन हॉर्न और दूसरा होगा आपका बेबी हॉर्न या छोटा सिंग तो एक मुख्य और एक छोटा सिंग होता है ये सामान्यता सारे राइनोस का होगा लेकिन एक और राइनो है जिसे हम कहते हैं इंडियन राइनो अब यहां याद रखिएगा जस्ट यहाँ याद रखिएगा कि इंडियन राइनो में आपको देखने को मिलेगा कि एक ही सिंग उपस्थित है इसीलिए इसे जो है वो यूनिकॉर्न हाइनो राइनो या फिर मैं कहूं एक सींग वाले गेंडे के नाम से जाना जाता है और विश्व में एकमात्र जो है एक सिंग वाला गेंडा ये भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है समझिएगा एक समय पर यह पूरे क्षेत्र में मिलता था इस प्रकार से अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत और आप पाएंगे इस प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इस पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलता था आज के समय ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में और कुछ जो हम रिहेबिलिटेशन अर्थात पुनर्वास कार्यक्रम के द्वारा जो है वो कुछ अदर नेशनल पार्क्स में ला पाए हैं अदरवाइज़ प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुके थे काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, है, काजी है काफी संख्या इनकी आपको देखने को मिलती है काजीरंगा में इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क से पास कौन सी नदी होती है तो काजीरंगा से गुजरती है वास्तविकता में ब्रह्मपुत्रा रिवर क्लियर और ये भी याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क से आप आगे जाएंगे तो एक मानस नेशनल पार्क भी जो है वो राइनो के लिए भी आपसे डिस्कस करा था और ये भी याद रखिएगा कि मानस नेशनल पार्क कंटिन्यू होकर भूटान भी जाता है और भूटान में इसे जो है रॉयल मानस नेशनल पार्क कहा जाता है और भूटान वाले क्षेत्र में भी वहां रेड पांडा आपको देखने को मिलते हैं मैंने मानस नेशनल पार्क के लिए बताया काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से भारत में आता है आसाम में आता है और याद रखिए काफी ज्यादा फेमस है हमारे एक सींग वाले घेंडो के लिए चलिए तो इस प्रकार से हमने नॉर्थ ईस्ट की सारी प्रमुख प्रजातियों के बारे में देख लिया है आई थिंक आप सभी को चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आप एक सीरियस आस्पेरेंट है एक सीरियस स्टूडेंट है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरी आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट होगी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर इसने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करा होगा अपना कमेंट जो है वो मेंशन करते हुए जाएं। अगर आपके कोई सुझाव हो, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप जो है वो उसे कमेंट सेक्शन में, में मेंशन करें आपके एक एक कमेंट्स जो है वो डेफिनेटली मैं रीड करता हूँ अगर आप चाहें तो आप जो है वो अपने सुझाव देकर उस टॉपिक पर वीडियो भी पा सकते हैं देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रीच होती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसे सुन रहे हो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ये होते हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं और वो इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं सिविल सेवा परीक्षा इससे प्रश्न पूछ रही है लेकिन पढ़ने वाला क्राउड बहुत कम होता है ऐसा ट्रेंड काफी कॉमन है हिंदी मीडियम में कि जो प्रश्न आ रहे होते हैं उससे इतर जो चीजें कॉमन हैं जो सब पढ़ रहे हैं बच्चा उसी में ज्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड कर देता है अपना ज्यादातर समय वो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी और इन सारे सब्जेक्ट्स को देता है पर्यावरण जिससे सीधे सीधे तीस पैंतीस प्रश्न आ जाते हैं वो हमेशा जो है उसको लास्ट के लिए रखता है और लास्ट में रखने के कारण क्वालिटी कंटेंट से हमेशा दूरी रहती है और यही फेल होने का भी एक कारण बनता है अगर आप यहां तक आए हैं इसका मतलब है आप उन पांच या दस परसेंट लोगों में से हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर इसको इसका रीच बढ़ता है इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं तो इसी प्रकार के वो टॉपिक्स जो पिन पूछता है, मैं उस पर वीडियो लेकर आता रहूंगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Have a very nice day. Thank you. हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी